ऐसा ही नहीं तसीरी जाना का दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुकी दिखला सीता ने धनुष और धनुष उठाते हुए जनक ने जिस समय देखा तो मन में विचार करने लगे, बाजी बा आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी इंसान कर ही नहीं सका, तो क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करें जो उस धनुष को तोड़ देगा। दरबार में जाकर के जनक ने सबसे कहा, देखो भैया आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो कोई बहादुर नहीं कर सका, चारों तरफ ये खबर भेजो जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वो ही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में पत्र में लिख दिया जाए महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। अब बोले जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुष तोड़ रहेगी बस उसी वीर से निर्विवाद नानक की विवाह खबर भेज दी जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के सारिस्ता जोड़ेगा। अब धनुष तोड़ने के लिए उन सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए, बार लंबी भीड़ लग गई जनकपुर में। इधर विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम अब यहां क्या करोगे, चलो जनकपुर में ही चलते स्वयंवर ही देखते। बोले चलो के चलो और चल दिए। कब चले, कुवार के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। और जब राम चले हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ में तो पा करके खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। चले पा करके खबर सुई
चले प्रभु श्री राम जनक के पास।